हेलो बच्चों, रेडियस क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग एक नया थ्योरम लेकर के आए हैं जो कि कहता है क्या कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट पाथ है, तो उस पर जितने भी एंगल्स बनेंगे, एक पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनेंगे, उस सब का सम कितना होगा? 180 होगा। तो हेलो बच्चों, आपका रेडियस क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन थ्योरम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है जितारिया और आप देख रहे हैं रेडियस क्लासेस, योर सक्सेस इज आवर गोल। लेट्स स्टार्ट। बोर्ड पे आइए। बात करता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। कहने का मतलब ये क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई एक लाइन है बच्चे, एक लाइन है ऐसा और इस पर एक पॉइंट है, मान लो लाइन है ए और बी, क्या है लाइन ए और बी है और इस पर एक पॉइंट है सी, इस पे मान लो कि कितना भी एंगल बना लो, यहाँ पे सी ले लो, यहाँ पे आप क्या ले लो, डी ले लो, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो एंगल्स बनेंगे, ठीक है, तो ये जितने भी ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सबका सम कितना होगा? 180। आप हो सकता है चार पांच और भी एंगल्स ले लो, टोटल मिलकर कितना बनेगा? 180 कैसे बनेगा, प्रूव करना है आपको, ठीक है, सिंपल है। तो यही है, आपको प्रूव करना है कि ये सभी का सम कितना होगा? 180 होगा। तो आइए शुरू करते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन में, क्या लिखोगे? गिवन। गिवन में क्या है, मान लिया कि लेट ए बी इज अ लाइन, पी इज पॉइंट ऑन इट, पॉइंट ऑन इट, ठीक है। दो रेज है आपका, PC एंड PD आर टू रेज, दो रेज है फॉर्मिंग एंगल्स, एंगल APD, एंगल DPC और एंगल BPC, इतना सारा एंगल्स बना रहा है, ये आपका गिवन हो गया, ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है बच्चे, तो प्रूव करना है टू प्रूव में एंगल जो है एपीडी प्लस एंगल डीपीसी प्लस एंगल बीपीसी बराबर होना चाहिए 180 होना चाहिए, यानी कि सभी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे 1 कर दे, 2 कर दे और 3 कर दे, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ये आपका टू प्रूव है, क्या है ये आपका टू प्रूव है। चलिए बात करते हैं इसको आगे, कैसे प्रूव किया जाए, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे करने वाले क्या है, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर डालने वाले हैं, एक नया फिगर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक परपेंडिकुलर डालने वाले हैं, ओके। ये इस प्रकार से था, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक था, यहाँ पे डी था, यहाँ पे सी था, और यहां से हो गया आपका ए, ठीक है, ए हो गया और ये हो गया पी और ये हो गया बी। तो आप क्या कर रहे हो, इसको परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर रहे हो, यानी कि इसका मान लिया ई, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये 90-90 बना, ठीक है। तो अब इसको आइए हम लोग क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं ना, कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, ड्रॉ कर दोगे, सिंपल ड्रॉ डी सॉरी ई और पी परपेंडिकुलर टू ए बी, इसको परपेंडिकुलर कर दिए ई और पी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर करने का मतलब 90 डिग्री बनाता है। तो प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ में क्या लिखेंगे बच्चे, तो प्रूफ में हम लोग ये लिखने वाले हैं कि ए पी ई, एंगल ए पी ई प्लस एंगल बी पी ई, बी पी ई इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होता है 90-90 होगा, ठीक है। और ऐसे भी लीनियर पेयर से भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर समझ में आता है ना, तो लीनियर पेयर से। अब ध्यान दीजिए क्या है, हम लोग लिखेंगे ये वाला एंगल्स, ठीक है, तो यहां से एंगल्स जो है हमारे पास ए पी और डी, ए पी डी प्लस एंगल ऐसे होता है ए पी डी और हो जाएगा डी पी ई, डी पी ई, ये दोनों 90-90 हो सकता है, लिख सकते हैं इसको ना 90-90। अब उसके बाद देखो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इस वाले में भी एंगल बी पी
सी प्लस एंगल ई पी सी, ये भी कितना हो जाएगा टोटल 90 हो जाएगा। अब ये दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दीजिए। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आप पूरा जोड़ दीजिए, ए पी डी प्लस एंगल डी पी ई, इधर हो जाएगा बी पी सी प्लस एंगल ई पी सी, ये टोटल हो जाएगा 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना से भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एपीडी तो लाना था, यहां पे एपीडी लिख देंगे, एपीडी रहने देंगे, और डीपीई, डीपीई देखो डीपीई और ईपी सी, डीपीई और ईपीसी दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, तो दोनों मिलाकर डीपीसी हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा डीपीसी और जो बच गया वो बीपीसी 180। यानी कि इस प्रकार से बोल सकते हैं कि तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया 180 होगा। तो यहां से हेंस प्रूव लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चे, तो आप सिंपल सा स्माइल करना है, लास्ट में आपको स्माइल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो थ्योरम था वो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।